अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज मखदूमी बज बाइट्स इलेक्शन कारवान के 36वें एपिसोड में पीडीपी के यंग एंड एनर्जेटिक फेस पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी, पटन एक हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जावेद इकबाल साहब के साथ। जावेद साहब का आपका खैर मुकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। क्या क्या मसले आपने पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी? पटन में एक्चुअली सर, आप अभी एज ए जर्नलिस्ट भी अगर घूमेंगे तो आपको कुछ भी नहीं डेवलपमेंट के हिसाब से देखने को मिलेगा। ना वहाँ पे रोडों की हालत अच्छी है, साफ पीने का पानी अभी तक नहीं है सर यहाँ पे। बाकी तो हॉस्पिटल्स की, तो स्कूल्स की दूर की बात है, साफ पीने का पानी नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, तो रोड साफ देख लीजिए यहाँ पे बद से बदतर है। बस उसी चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि एटलीस्ट जो पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं वो सफर हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि कोई एक यंग फेस आए सामने जो इन मुद्दों की बात करें यहाँ पे। जो उसके अलावा एक और परेशानी है पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो यहाँ के FIRs हैं और जो ड्रग्स बड़ा हुआ है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर। किसी ने किसी को आगे आना चाहिए था, तो अल्लाह ने मुझे चुना है। तो अब मुझे बताइए, पटन एक हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स भी है, क्या इसको वो ट्रीटमेंट मिली जो ये डिजर्व करता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गेटवे ऑफ नॉर्थ कश्मीर है ये, इसको हमेशा निगलेक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले भी रिलीजियस वोटिंग होती थी। एक एरिया बॉयकॉट करता था, एक एरिया वोट डालता था, तो उस यहाँ पे लीडर चुन के आते थे, तो उन लीडर्स को भी यही पता था कि नहीं, हमने कोई काम करना नहीं है। उसके बाद अगर कभी चेंज भी हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस करीबन 2-3 बार हुकूमत में आई है, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हम चाह रहे थे कि एक यहाँ का लोकल सन ऑफ द सॉइल कोई आ जाए जो इन मुद्दों पे बात करें, जो जिन्होंने ये फेस किया हो, जो सारी प्रॉब्लम फेस किया कर रहा हो। तो मैं यहाँ पे गांव का लड़का हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो गांव की मसाइल हैं, जो एक मोहताज गरीब के जो मसाइल हैं, उनको मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, और कोशिश करूंगा कि डोर टू डोर कैंपेन का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपने देखा होगा, कल का जो एक हमारा जलसा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में इतने सारे लोग जमा करना, ये तो सिर्फ बस अल्लाह ताला की तरफ से ही है। और लोगों को दिख रहा है कि साफ नीयत से एक लड़का सामने आया, मुझे लगता है कि वो एक मेरी जो साफ नीयत है वो लोग पहचान रहे हैं, और उसी का मुझे लगता है कि वो मुआवजा मिल रहा है। NCAPC के वेटरन फेसेस है, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुकाबला कैसा लग रहा है? सर किसी के साथ मुकाबला है नहीं एक्चुअली यहाँ पे सर, क्योंकि काम किसी ने किया नहीं है। अगर काम किया होता तो शायद टफ कॉम्पिटिशन था। यहाँ पे लोग बहुत ही ठंडे हो चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ कुछ गाँव में कुछ नुमाइंदे रखे हुए हैं इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो पेड, उनको मैं बोलता हूँ पेड वर्कर्स होते हैं वो, तो वो सिर्फ उनका जो नेटवर्क चलाते हैं वहाँ पे गांव में। लेकिन अब लोग समझदार हैं, लोग समझ गए हैं कि हमने इनको वोट नहीं देना है। जो लोग हमारे पास जो नुमाइंदे आते हैं इन लोग पार्टीज के, हमने एक खुद देख के फेस चूज करना है कि हम किसको वोट करें। मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हर जगह जब भी हम जाते हैं किसी मैरिज जब करते हैं कोई, ना शादी होती है, तो हम लड़के का भी पता करते हैं, लड़की का भी पता करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को बाशोर जो आवाम है उनको समझना चाहिए, लीडर चुनने के टाइम पे भी आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सवाल ये आपसे है कि जब 1 अक्टूबर को यहाँ पे वोटिंग होगी तो आप कहाँ देखते हैं पटन की वोटिंग को, क्या उम्मीद है कि वोटिंग अच्छी रहेगी? मैं ये फैसला अल्लाह के हाथ में छोड़ देता हूँ। लोगों का रिस्पॉन्स जिस तरीके से आ रहा है, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश भी हूँ कि इतना कम टाइम में अल्लाह ने इतना मुझे इस काबिल बनाया है कि लोगों के दिलों में मैं जगह बना पाऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग हैं सर, वो इंशाअल्लाह रहमान जोगदर जोग लोग निकलेंगे बाहर और वोट करेंगे, और हमारे हक में वोट करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं वादा करता हूँ अपने लोगों से, इंशाअल्लाह अगर मैं चुन के आया तो मैं उन गरीब मोहताज अवाम की खिदमत करूंगा जिनको जरूरत है, और भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी मेरे साइड में जो एक रसूखदार लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। जिन्होंने साथ दिए, जो साथ चले हैं, मैं उनको ही इंशाअल्लाह रहमान उस टाइम पे भी वही इज्जत दूंगा। काम तो सबका करेंगे हम, वो अमीर हो गरीब हो, लेकिन दिल में जो जगह है वो उस एक गरीब की है, मोहताज की है, जो साथ चला है, जिन्होंने अभी तक साथ निभाया, और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ रहूँ हमेशा। मैं रमीज मखदूमी भाजपा एक सिलेक्शन कारवान के साथ, जावेद इकबाल के साथ, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और एक फॉर्मेटेबल जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पटन की हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वसलाम।